आजकल हज को जाते हुए लोग अक्सर सहूलत के पेश नजर एयरपोर्ट ही पर एहराम बांधते हैं और फिर वहीं से नमाज पढ़ते हैं, एहराम की नियत करके सवार होते हैं लेन में। कभी अगर ऐसा हो कि किसी साहब का जो चादरें जो थी एहराम की चादरें, वो अंदर गए, उसके बाद जहां से वो इमिग्रेशन होता है उसके बाद वो बाहर नहीं आ सकते और उससे पहले ही लगेज जो है वो अंदर चेकिंग हो जाता है, तो लगेज के बैग में उनकी चादरें अंदर चली गई। अब अंदर नई चादरों का कोई इंतजाम नहीं है और उन्हें एहराम की नियत भी करनी है, सिले हुए कपड़े एहराम की हालत में पहन नहीं सकते, तो उस वक्त वो क्या करें? हाँ, ये जो सवालत पेश आई और ऐसा कभी कभी हाजियों को पेश आ जाता है, कुछ लोग तो हवाई जहाज से बैठ जाते हैं, वहां से फोन करते हैं साहब ऐसा ऐसा हो गया क्या करें, और देखो घबराए हुए रहते हैं। तो अब आप हजरात इस मसले को भी समझ लीजिए, आम और बहुत जरूरी मसला है, अल्लाह ताला आपको भी हल्की तौफीक दे, आमीन, और ये भी तौफीक दे कि आप लोग भूले नहीं। लेकिन अगर कोई हमारा भाई भूल जाए तो अपना मसला हाजी से याद रखे, वो ये है कि जो सिला हुआ कपड़ा पहने हुए है उसी कपड़े में वो एहराम की नियत कर ले। नियत कर ले, मैंने उमरा की नियत कर ली और नियत करने बाद फौरन बुलंद आवाज से एक मरतबा या तीन मरतबा लब्बैक पढ़ ले, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन्नमता लका वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ ले। अब उसका एहराम बंद गया और जद्दा में जब उसका सामान मिले तो सबसे पहले अपनी चादर खोल करके और अब चादर पहने और सिला हुआ कपड़ा उतार दे। ये याद रखिए कि 12 घंटा पूरा होने से पहले पहले उस कपड़े को उतर जाना चाहिए। अगर 12 घंटे पूरा होने से पहले पहले कपड़ा उतर गया तो सिला कपड़ा पहनने के जुर्म में उसको सदका फित्र की मुकदार में सदका देना पड़ेगा। सदका फित्र की मुकदार कितनी है? 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या उसका दाम वहां जाकर अदा कर दे, वहां के फकीरों मोहताजों को बांट दे। और अगर 12 घंटे पूरे हो गए या 12 घंटे ज्यादा हो गए तब दम देना पड़ेगा, यानी मेघा या खस्सी या बकरा या बकरी की कुर्बानी करनी पड़ेगी, जो कम से कम 300-400 रियाल को वहां मिलेगा। तो 300-400 रियाल न खर्च करके आप 10-15 रियाल में अपना 10 रियाल में अपना काम चला ले, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए याद रखिए 12 घंटे पूरा होने से पहले पहले आप अपनी अपने सिले में कपड़े बदल से उतार लें और वो चादरें से वेतन कर लें, तो सिर्फ 8-10 रियाल में के सत्ता कर देने से आपका काम इंशाल्लाह पूरा हो। उसके बाद वो अपना उम्रा पूरा कर ले, उसके बाद अपना उम्रा पूरा कर ले।